ये एक खूबसूरत सी शायरी है जो कि एक वफा शार बीवी के नाम है। बीवी को खराज तहसीन पेश करने के लिए खूबसूरत अल्फाजों का चुनाव किया गया है। शायर लिखता है इसमें, जब आपका वॉलेट खाली हो सिवाय विजिटिंग कार्ड और कुछ गैर ज़रूरी पर्चियों के, इसमें कुछ भी ना हो और कोई चुपके से इसमें 500 का वो नोट रख दे जो उसे उसकी माँ ने ईद पर दिया हो, जब आप एक साल की बेरोज़गारी के बाद बड़ी हिम्मत से फिर नौकरी की तलाश में निकलें और शाम को नाकाम वापस लौटें और कोई मुस्करा कर आपके माथे पर बोसा दे दे, जब आपकी सालियां ऊंचे घरों में शादीशुदा हो, हर शादी पर दो दो तीन तीन नाएं सूट पहनती हों और कोई एक ही जोड़े से मुख्तलिफ शादियां हंसी खुशी निमटाए, तुम उससे ने नए जोड़ों का मुतालबा ना करें, जब आपके घर को चलाने के लिए पैसों की ज़रूरत हो और कोई सिलाई की मशीन धर ले, बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दे और दो चार पैसे जोड़कर घर के खर्चों में हाथ बटाना शुरू कर दे, जब आप इंतहाई डिप्रेशन में दो चार कड़वी बातें कर जाएं और कोई खामोशी से सुनकर कमरे से निकल जाए और फिर चाय का कप थमाए थोड़ी मुस्कुराती हुई वापस आ जाए, जब आप मुसलसल बेरोज़गार हों और कोई पैसे ना मिलने पर मेके चले जाने की धमकी ना दे, तो समझ जाना कि वफा की मट्टी से गूंदी हुई एक औरत तुम्हें नसीब में मिली है और तुम इसका सहारा बनना, इसकी हिफाजत करना, कोई इसका मजाक उड़ाए तो इसका इत्माद बनना, भरी महफल में इसकी बेइज्जती ना करना, शर्म के घुंघरू तोड़कर इसकी तारीफ करना, इसके माजी के किसी भयानक सच पर इसकी तरफ से वकील और जवाब देना, बाखुदा तुम्हारी जोड़ी खूब जचेगी, तुम इस कायनात में जन्नत की झलक देखोगे। ये खूबसूरत शायरी थी जो कि किसी ने लिखी है बीवी के नाम से, मुझे अच्छी लगी तो मैंने कहा आप लोगों से भी शेयर किया जाए। शुक्रिया।